एक मुकाबला जो कभी नहीं भूलेंगे नेपाली फैंस, एक मुकाबला जिसकी दर्द सालों तक करेगा गुलशन झा को तंग। जी हाँ दोस्तों, जीत के दहलीज पर खड़े होकर भी हार पाना, ये मुकाबला नेपाल के प्रशंसक कभी नहीं भूल पाएंगे। जीत और हार के बीच वो एक का फासला नेपाल को किया इस वर्ल्ड कप से बाहर। तो दोस्तों, आज हुए नेपाल और साउथ अफ्रीका के बीच मैच में नेपाल को एक दर्दनाक हार मिली है। हम इसे दर्दनाक हार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीत के दरवाजे पर खड़े होने के बाद भी मैच में नेपाल टीम को हार का स्वाद चखना पड़ा है, और स्टेडियम में आए दर्शकों का दिल तो टूटा है, लेकिन पूरे नेपाल में क्रिकेट प्रेमियों का दिल भी टुकड़े हो गए। और यह दर्द नेपाल क्रिकेट खिलाड़ियों के दिल में, साथ ही साथ गुलशन झा के दिल में मरते दम तक रहने वाला है। इस चीज को कभी नहीं भूल पाएंगे गुलशन झा। तो इससे पहले बात कर लेते हैं मैच के शुरू से। मैच में नेपाल ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था, और वहीं पहले गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को एकदम हक्का बक्का कर दिया था, और नेपाली स्पिन डिपार्टमेंट के आगे साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने 115 रनों पर घुटने टेक दिए थे। और इस टोटल को देखते हुए नेपाल का हौसला पहले से और भी बढ़ गया था कि इस मैच को जीतकर एक बड़ा उलटफेर किया जा सकता है। और दूसरी पारी में उम्मीद के मुताबिक नेपाल को शुरुआत मिल चुकी थी। पावर प्ले में कोई भी विकेट न खोते हुए भुरतेल और आसिफ ने एक डिसेंट स्टार्ट नेपाल को दे दिया था, लेकिन उसके बाद से साउथ अफ्रीका के शम्सी ने बैक टू बैक दो विकेट चटका दिए, जिसके चलते वहीं से नेपाल की गाड़ी पटरी से उतरने लगी थी। लेकिन उसके बाद आसिफ और साह की 50 रनों की साझेदारी ने मैच को एकतरफा कर दिया था, और मैच पूरी तरीके से नेपाल की मुट्ठी में आ गया था। लेकिन उसके बाद से शुरू हुआ नेपाल का डिस्ट्रक्शन। एक तरफ खिलाड़ी एक एक रन के लिए तरस रहे थे, और दूसरी तरफ लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, जिसके चलते मैच खत्म होते होते नेपाल के ऊपर वो प्रेशर आ चुका था जिसे सही से झेल नहीं पाए गुलशन झा। और हाथ में आया हुआ एक आसान सा मैच एक रन से हार गया नेपाल, और इसी हार के साथ नेपाल का सुपर 8 का सफर यहीं से खत्म हो गया। आपको बता दें कि अंत के दो बॉल में 2 रन चाहिए थे जीत के लिए और 1 रन चाहिए था ड्रॉ के लिए, लेकिन 2 में से 2 बॉल पर गुलशन बीट हो गए। लेकिन लास्ट रन जो गुलशन झा ने स्कोर बराबर करने के लिए दौड़े थे, उस रन पर उन्होंने डाइव क्यों नहीं लगाई? वो फुल कमिटमेंट कम से कम दिखा देते तो ये मैच सुपर ओवर तक जा सकता था। लेकिन गुलशन का डाइव न लगाना, वहीं 1 इंच की दूरी नेपाल को 1 रन से मैच हरा दिया। ये मैच देखकर मुझे याद आ रहा है 2019 का इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का वनडे वर्ल्ड कप, जहां MS धोनी का ऐसे ही एक रन आउट इंडिया का फाइनल में जाने का सपना चूर चूर कर दिया था, और वो दर्द जैसे धोनी के मन में लाइफ टाइम रहने वाला है। उसी तरह आज के मैच में नेपाल को जो दर्द मिला है, ये नेपाल क्रिकेट के इतिहास में हमेशा रहने वाला है। शायद नेपाल आगे जाकर अच्छा क्रिकेट खेले और अगले कुछ सालों में नेपाल बड़े बड़े टीमों को भी मात दे, लेकिन इस मैच का दुख पूरे नेपाल के खिलाड़ी, नेपाल के फैंस के साथ साथ गुलशन झा के दिल में लाइफ टाइम रहने वाला है। ये एक ऐसा दर्द उनके दिल पर लगा है जिसे दुनिया की कोई भी पेन किलर ठीक नहीं कर सकता। लेकिन खैर, ऐसे ही नेपाल को लड़ते रहना है, और सबसे बड़ी बात, इस हार से कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। हालांकि ये नेपाल के लिए एक अच्छा मौका था जिसे नेपाल ने गंवा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कहावत में है ना कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। इस हार को एक पॉजिटिव वे में लेकर नेपाल को आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आज नेपाल के हारने की असली वजह क्या है? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।